जलवायु परिवर्तन और कृषि पर इसका प्रभाव। सालों तक किताबों के पन्नों में छिपा और अखबारों की सुर्खियां बटोरता जलवायु परिवर्तन अब हम सबके जीवन पर अपना प्रभाव डाल रहा है। आम बोलचाल की भाषा में जलवायु परिवर्तन का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से होता है। दूसरे शब्दों में, तापमान वृद्धि के चलते जल, जमीन, जीवन, हवा या यूं कहें कि पर्यावरण में होने वाले स्थायी परिवर्तनों से है। तापमान वृद्धि के प्रभावों को समझने के लिए आप कल्पना कीजिए, जब बुखार की वजह से आपके शरीर का तापमान 1 या 2 डिग्री बढ़ता है तो आपकी क्या हालत होती है। आप बीमार हो जाते हैं और कुछ भी काम कर पाने या सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। यही हाल पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने पर भी होता है। पिछले कुछ सालों में इंसानों ने जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला, डीजल, पेट्रोल, जमीन के अंदर से निकलने वाले कई पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैसों का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि अब कहीं अचानक तेज बारिश के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ता है तो कहीं बहुत ही कम बारिश के कारण सूखा पड़ जाता है। कहीं पीने के पानी की दिक्कत है तो कहीं ज्यादा पानी से फसलें बर्बाद हो रही हैं। हाल के वर्षों में हम अक्सर ये सुनते, देखते या महसूस करते हैं कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। अचानक बाढ़ का आना, बादल का फटना, गर्मियों में तेज लू चलना, सर्दी, गर्मी और बारिश होने के समय में धीरे धीरे बदलाव का होना इत्यादि अब सामान्य घटना बनते जा रही है। और इन सब का प्रभाव कहीं न कहीं हमारे जीवन बल्कि हमारी खेती पर भी पड़ रहा है। रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग भी इसके प्रभाव को और बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन अर्थात तापमान और बारिश में बदलाव के कारण जहां एक ओर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर फसलों में कीड़े तथा अन्य बीमारियां ज्यादा लगने लगी है, जिससे अंत में उसकी उपज कम हो जाती है। इसके अलावा समय पर बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बुआई और रोपाई भी समय पर नहीं हो पाती है, जिससे न केवल फसल की उपज प्रभावित होती है बल्कि किसानों का पूरा फसल चक्र ही गड़बड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, समय पर वर्षा नहीं होने के कारण अगर धान की रोपाई में देरी होती है तो इसका असर उसके उपज के साथ साथ गेहूं और अन्य फसलों की बुआई और उपज पर भी पड़ता है। ठीक इसी तरह ज्यादा ठंड से तिलहन और सब्जियों का उत्पादन कम हो जाता है। फसल खराब होने या उपज कम होने का सीधा मतलब किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से होता है, जिसका सीधा संबंध उनके जीवन से होता है। साफ शब्दों में कहें तो जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर किसानों को प्रभावित कर रहा है और कुछ हद तक हम सभी किसान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। खेती में ज्यादा रासायनिक खादों एवं दवाइयों का इस्तेमाल, खेतों की कई बार जुताई, खेती में जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना और पराली या पुआल जलाने से निकलने वाले गैस इत्यादि भी जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। तो चलिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हम सब मिलकर एक एक कदम बढ़ाते हैं और मौसम के अनुकूल खेती को अपनाते हैं। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मौसम अनुकूल खेती या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अर्थात CSA क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं।